नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार सिंह। आप हमारे चैनल को रोहित कुमार सिंह को देख रहे हैं। हम बात करने वाले हैं जियो गीगा टीवी सेटअप, उसके बारे में आपको इसका पूरा डिटेल्स बता दूंगा कि आज इसके पीछे क्या क्या टर्म एंड कंडीशन छिपा हुआ है, क्योंकि आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर कोई जानना चाहता है क्या चीज़ है क्या नहीं जानना चाहता है। तो बता दूं सबसे पहली बात कि मुकेश अंबानी जी की कंपनी यानी रिलायंस ने अपने 41st एनुअल फंक्शन पर उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने अपना जियो गीगा का राउटर, जियो गीगा टीवी सेटअप बॉक्स, जियो गीगा का स्मार्ट होम एक्सेसरीज लॉन्च करने वाले हैं। और उसी सब का फीचर्स आपको बता दूंगी, कुछ फीचर्स जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली क्या ले सकता है कि नहीं ले सकता है। सेटअप बॉक्स का सबसे पहली बात, इसके पीछे जो टर्म एंड कंडीशन वो है कि आपको गीगा टीवी का राउटर लेना होगा, यानी कि गीगा राउटर लेना होगा जो कि एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। उसके कनेक्शन के थ्रू आपका जियो गीगा टीवी सेटअप बॉक्स चलेगा, यानी कि आप समझ के चलो उसका 500 रुपये महीना और इसका लगभग 150 से 200 रुपये महीना, लगभग 700 का महीना बैठेगा। और अगर बाई चांस अगर जियो ने अगर फ्री भी कर दिया कि हाँ भैया सेटअप बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, सिर्फ आपको राउटर का पेमेंट करना है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 500 रुपया किसी भी आजकल एयरटेल, वोडाफोन और ऐसे कंपनियां नहीं स्पॉन्सर करती है। कौन ऐसी कंपनियां सिर्फ 300 से 350 का पैक में अपना काम चला लेती है? तो क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो जियो का नेट भी खत्म नहीं कर पाते हैं, वो क्या जियो का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे ठीक से? तो एक प्रॉब्लम हो सकता है जो कि सर जियो के यहाँ पे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन ये जियो है और ये मुकेश अंबानी जी यानी भारत के नंबर वन बिजनेसमैन है, तो इसका कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकाल लेंगे। दूसरी बात बता दूं कि जियो का जो कनेक्शन होगा आपको एंटीना के थ्रू नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा एक कॉपर वायर के थ्रू जो कि अंडरग्राउंडेड होगा। यानी कि इसका सबसे बड़ी बात जो हो गई कि आपको इसका मौसम का कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, यानी कि बारिश में नेटवर्क स्लो नहीं होगा और किसी भी कारण जैसे आंधी तूफान में तार टूटने के कनेक्शन के तार टूटने के कारण आपका नेटवर्क नहीं जाएगा। आप किसी भी कनेक्शन में आप आराम से यूज कर सकते हैं नेट, आपको किसी बिजली गिरने का डर कोई भी आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा, आप आराम से नेट यूज कर सकते हैं। दूसरी अब तीसरी बात ये बता दो कि इसमें जो नेटवर्क होगा 1 Gbps का स्पीड मैक्सिमम है, ये याद रखना 1 Gbps का स्पीड मैक्सिमम है। आपको उसके लिए अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे, यानी कि अगर आप 500 का महीना चुकाते हो तो आपको 100 Mbps ऐसा करके आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना होगा प्लान को, तब शायद आप 1 Gbps तक पहुंच सकते हैं। और इसका मैक्सिमम स्पीड जो है डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 1 Gbps और मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड है वो है 100 Mbps। ये पूरा डिटेल्स। तीसरी बात मैं बता दूं कि आपको इसके बारे में जो पूरा का पूरा जानकारी है ना जियो गीगा फाइबर, आप जियो गीगा फाइबर अगर आप लेते हो तो आपके घर में इंजीनियर जाएंगे इंस्टॉल करने, लेकिन पूरा का पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल करने क्या कैसे क्या इसको कैसे इंस्टॉल करना है क्या काम करना है। और हो सके तो जियो गीगा टीवी का जो सेटअप बॉक्स है या जियो गीगा का जो है वो आपको पहुँचने में देरी होगा, क्योंकि जो पूरा वायर अंडरग्राउंडेड है इसको काम करने में टाइम लगेगा, जिसके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम कुछ दिन आपको रुकना पड़ सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि जिस एरिया से ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगा उसी एरिया से आपको उसी एरिया में तार बिछाए जाएंगे। यानी कि अगर आप बहुत बड़े एरिया में अगर आप एक आदमी या दो आदमी उसके लिए एप्लीकेशन करता है तो शायद हो सके तो उनके पास वो कनेक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि जियो उतना रुपये एक आदमी या दो आदमी के लिए खर्च नहीं करेगा। ये रही पूरी की पूरी माजरा, तो हो सके तो इसमें उस तार को फैलाने में लगभग 1 साल का टाइम लग सकता है, 6 महीने से 1 साल का टाइम लग सकता है। लेकिन कुछ 1100 शहरों के मेन मेन सिटीज़ में पहले कनेक्शन पहुंच जाएंगे, कुछ कुछ सिटी में अभी काम चल रहा है, कुछ कुछ सिटी में अपलीकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद काम चालू हो जाएगा। तो ये है पूरा ऊपर डिटेल्स। और इसके बाद वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसे मैं बनाऊंगा कि आप जियो गीगा टीवी सेटअप बॉक्स का फीचर्स क्या क्या होगा, जियो गीगा राउटर का फीचर्स क्या क्या होगा, और साथ में जियो गीगा टीवी सेटअप बॉक्स का मैं अनबॉक्सिंग भी करने का प्लानिंग में हूँ और जियो गीगा राउटर का मैं अनबॉक्सिंग करने का प्लानिंग में हूँ। तो दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाले जियो का प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और फीचर जानने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।